हेलो दोस्तों दोस्तों मैंने जो फ्लैश होती है हमारी, ये फ्लैश के अंदर से ये मैं दो तार निकाली है, और ताकि मैं इसको ये ऐसे अडोप्टर से लगा सकूँ, कोई भी अडोप्टर जैसे आपके पास हो, पुराना अडोप्टर कोई भी हो, जैसे ये हो गया अडोप्टर और ये हो गया, इसको आपने डॉक्टर कौन सा लेना है आपने, मैं आपको बता देता हूँ। और आपको जे फ्लैश कैसे लगानी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप इसको बिना जैसे आपने स्टूडियो में काम लेना है, लाइट पे काम लेना है इसको, तो किस तरह ले सकते हैं, जैसे जे अडोप्टर है, अडोप्टर की जो वायर है, मैंने अडोप्टर से ये वायर लगाई हुई है, यहाँ से दो वायर, जो रेड वायर हमारी प्लस वाली वायर होती है, प्लस वाली वायर जो है हमारी रेड वाली है, और उससे हमने येलो वाली लगाई हुई है, तो इसको मैं पहले प्लग पे लगा देता हूँ जी। मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब जो प्लस वाली वायर है हमारी ये है, और जो माइनस वाली है और जी है, जो प्लस वाली है मैं उसको रेड पे लगा देता हूँ, जो फ्लैश में मैंने लगाई हुई है इस तरह। और जो माइनस वाली है उसको वाइट पे लगा देता हूँ। उसके बाद आप इसको यहाँ से चेक करेंगे तो इस पर कोई सेल नहीं है, कोई सेल नहीं है, और मैंने ये पावर लगाई हुई है, इसको मैं ऑन करता हूँ, बिल्कुल ऑन हो रहा है मेरा, और यहाँ से सेल नहीं है, और जहाँ से मैंने पावर लगाई हुई है, इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। देखो सेल कोई भी नहीं है, और आराम से ये हमारी चल रही है फ्लैश। तो इसको लगाना कैसे है मैंने आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारी फ्लैश पड़ी हुई है, इसके जो आपने अंदर इसका जो प्लस वाला पॉइंट है, जैसे हमारा यहाँ से माइनस है, ऊपर माइनस है, जहाँ से सेल ऐसे लगेगा ऐसे, एक यहाँ से तार उठानी है, नीचे से जहाँ से तार उठाओगे तो वो प्लस वाली होगी, क्योंकि इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो प्लस है, ये वाला पार्ट प्लस है, और एक यहाँ से तार उठानी है नीचे से, और जहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस है ये माइनस हो गया। अब जो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा ना, इसके नीचे से उठानी है तार, जो प्लस से उठाई है वो रेड वायर उठानी है यहाँ से, जो नीचे इसके नीचे से उठानी है आपने। आप इसको खोल के अंदर से भी लगा सकते हैं, मैंने इसको खोल के जो तार लगाई है इसके वो अंदर से लगाई है, और इसके अंदर जो होता है जैसे दो पत्ती होगी, जो एक प्लस की तरफ होगी, और जहाँ सेल हमारा इस तरह लगता है वो प्लस की तरफ होगी, और जहाँ ऐसे लगता होगा वो माइनस की तरफ होगी। आपने नोट करके उसको लगाना है, माइनस की तरफ वाइट लगानी है और प्लस की तरफ रेड लगाना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ये आउटपुट है 5 वाट 1 एम्पेयर का है, और आपके पास जितने भी, जैसे मैंने आपको चार्जर दिखाए हैं इस तरह के, आपको जो फ़ोन के चार्जर थे पहले वो भी आप लगा सकते हैं। काफ़ी चार्जर जो फ़ोन के बच जाते थे वो 5 वाट के होते थे, जैसे 5 वाट का है ना, इस तरह के होते हैं। आप कोई भी चार्जर अपना पुराना उठा के देखोगे तो उस पर 5 वाट ही लिखा होगा, 1 एम्पायर ना भी लिखा होगा तो 5 वाट का होगा। तो उस पे आप ये फ्लैश लगा सकते हैं, इसको डायरेक्ट प्लग में लगाना है इसे, और जहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। देखो बहुत आसान काम है, इसको मैं अब ऐसे लगा के छोड़ दूंगा, और इस तरह जैसे सामने मेरा क्लाइंट खड़ा है तो यहाँ ये
इसको पक्का छोड़ दूंगा लगा कर, तो मुझे कोई लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब इसको मैं स्टूडियो में लेके जाना होगा, कहीं फंक्शन पे लेके जाना हो, तो यहाँ से इसको वायर को निकाल दूंगा और ये वायर को टेप से उतार दो और सेल डालकर आप जहाँ मर्जी ले जा सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगी और आपके काम आती रहेगी। इस तरह आप इसका डबल यूज़ ले सकते हैं और चार्जिंग वाला कोई घपला चांस नहीं है। जितनी मर्जी फ़ोटो खींचो, पूरा दिन आपको सेल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।